हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुछ डरावने क्वेश्चंस को जिन्हें देख के डर लगता है कि अरे ये कैसे सॉल्व होंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं और कैसे डिवाइड करेंगे। किसे अगर किसी नॉर्मल बच्चे को दे दिया जाए कि भैया इसका आंसर बताओ और उसको मेथड ना बताओ, ट्रिक ना बताओ, तो वो सुबह उसे दे दो, आराम से खाना पीना खा के आओ, तब भी वो लगा रहा होगा, मतलब आधा एक घंटा आराम से दे देगा और फिर भी कोई श्योरिटी नहीं कि वो आंसर आपको दे पाए। तो इन क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे टैकल करेंगे हम लोग, देखिए 35 की पावर कितनी लिखी है, 113 लिखी है और इसे भाग करना है 9 से। तो एक नॉर्मल बच्चे क्या करेगा, 35 को 113 बार खोलेगा और फिर 9 से भाग करेगा और फिर वो सो जाएगा, क्योंकि होगा है नहीं उससे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अभी 113 लिखा है, इसे भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ, इधर नीचे लिख लेते हैं 35 113/9, ठीक, इसको भाग करना है आपको। तो क्या करो, 113 को भूल जाओ, बोल गए, ठीक है। तो फिर क्या करना है कि 9 4 36, क्या लिखना है, 9 4 36। आप कहोगे सर आपने तो 35 है, यहां कैसे कर दिया, तो आपको काटता है कि 9 के पौड़े में क्या आता है, 36 आता है और ये 36 के पास में, तो 9 4 36 हो गया। तो यहां पे देखो 9 35 से अगर आप डिवाइड करोगे सर, तो 9 4 36 लिख दिया और अपने माइनस वन बचा दिया। हमने लिखा कि 9 4 36, भाई ये तो 35 था और हमने 36 एक ज्यादा ले लिया, तो हमने क्या कर दिया, माइनस वन लिख दिया। जब ज्यादा ले लोगे तो क्या लिख दोगे, माइनस वन, भाई 36, 9 4 36 होता है, ये 35 है तो कितना कम है, तो माइनस वन कम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस वन, ठीक। अब माइनस वन की पावर क्या लगी है आपकी, 113 लगी है और आपको ये पता होगा कि अगर माइनस वन की पावर कितनी भी करी जाए तो वो बंद रहेगी, अब चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं। माइनस अगर लगा है और पावर आपकी विषम है तो माइनस चेंज होगा किसमें, माइनस में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, माइनस में, माइनस वन आ जाएगा। अब किसी का शेषफल जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकता है, शेषफल जो नीचे बचेगा वो कभी आपने बचाया क्या माइनस वन में, तो कभी भी माइनस में नहीं बचेगा। तो क्या करें, तो जिससे भाग दिया है मतलब 9 से भाग दिया है, 9 में से 1 घटा दो, ये वाला घटा दो तो आंसर कितना हो जाएगा, 8। बस कहने का मतलब ये है कि आपको पावर से कोई खास मतलब नहीं है, 9 4 36 करा, 36 गया नहीं, एक कम पड़ गया, एक कम पड़ गया मतलब माइनस का पड़ गया और माइनस की अगर पावर यहाँ पे सम होती तो प्लस का आ जाता, यहाँ पर 113 एक विषम नंबर है और माइनस में अगर विषम करोगे तो माइनस ही रहेगा। अब माइनस में तो शेष पर होता नहीं है, आप कोई भी संख्या से भाग दो या तो शेष पर जीरो आएगा या मतलब प्लस का नंबर तो आएगा ही, तो माइनस वन आंसर लिख नहीं सकते हैं। जब माइनस वन आ जाए तो क्या करना है, जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से माइनस वन एक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे और जरा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, तो भाई कपड़ा देखो बोर्ड से भी गंदा कपड़ा है मेरे पास, अरे साफ हो जाए बेटे। चलो साफ हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 की पावर 33 और भाग लगाना है 9 से, भाग लगाना किससे, 9 से और शेष पर आपको बताना है। तो क्या करेंगे, देखो अब तो 9 के पाड़े में तो भैया 2 आता नहीं है, जो अभी हमने ट्रिक बताई थी, लेकिन आप क्या करो कि 2 की पावर 33 है इसमें खोल लो इसे, कैसे खोलेंगे, देखो 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 के पड़ोस में कौन आता है, 9, तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 2 3 बार खोल लिया तो 2 की पावर 30 आपके भी क्या है बची हुई है, यहाँ पे क्या लिख, या ऐसे लिख लो 2 की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो कितना, 11 लिख लो, 11 × 3 = 33 लिख लो और यहाँ पे लिख लो कितना, 9, देखो सेट हो गया। अगर 3 की पावर 11 तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा और 2 की पावर 3 कितना बन जाएगा, 8, 8/9 और यहाँ पे मतलब मान के चलो कि 11 है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, ठीक। अब 9 को 8 से जब भाग करोगे, 9 को जब 8 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, -1, कितना आएगा, -1 आएगा, फिर -1 आया तो -1 को फिर क्या करना है, 9 - 1 और आंसर कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तोड़ लो से 2 की पावर 3 और फिर क्या 11 या 33,
तो 11 दिया 33 हो गया। तो 2 की पावर 3 वास्तव में क्या होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 9 8 9 एकम 9, तो यहां पे 1 बचा, माइनस 1 का बचा, तो माइनस 1 की पावर 11 फिर भी सम है तो माइनस 1 बचा, तो 9 में से 1 घट गया, बच गया 8। चलते हैं नेक्स्ट में, अभी लेते हैं 7 की पावर 512 और बटे 50, ठीक है। अब इसका शेषफल क्या बचेगा, अब क्या बहुत बड़ा नंबर लिखा है हमने 400, तो फिर भाई अब 400 के पड़ोस वाला नंबर लिखना है यहाँ पे, 400 के पड़ोस वाला, 400 के पड़ोस में तो भैया 7 होता नहीं है, फिर गुणा करना शुरू कर दो, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, अब 343 और बटे 400, अब 343 अभी दूर है, मतलब 343 और 400 में अगर आप भाग लगाओगे, तो मैंने कहा कोशिश आपकी यही होनी चाहिए या तो प्लस 1 बचे या माइनस 1 बचे, तो 343 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे 400 का तो जो है वो 57 करीबन बचेगा, तो हम एक बार 7 और लिख लेते हैं, तो 343 जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2401, 2401 और बटे 400, ठीक। और 7 हमारे कितने खर्च हो गए हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे 7 खर्च भी हो गए, तो आप क्या लिख सकते हो 7 की पावर 4 और बटे में 4 से इधर भाग लगा तो 4 एकम 4 एक बचा 11 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 बचे 32, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 7 की पावर 4, मतलब 7 की पावर 4 का मतलब हो गया 2401। अब देखो 400 छक्के 2400 हो गए और यहाँ पे प्लस 1 बचा है क्योंकि यहाँ पे एक ज्यादा है, यहाँ पे तो प्लस 1 ये बचा है और प्लस 1 की पावर कितनी है 128। अब की बार दिया ये प्लस में भी है और पावर भी हमारी सम है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, बस आप लोग दिमाग ये लगाना कि कोशिश करना कि नंबर को खींच के लेके जाना और आपका जिससे प्लस 1 बन जाए या फिर माइनस 1 बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चार की पावर 48 और बटे आपको दे रखा है 33, ठीक, चार की पावर आपको 48 दे रखा है। अब देखो चार है, चार को आप थोड़ा सा ब्रेक कर लो, चार को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, क्वेश्चन हमारा आ गया ये, ठीक, क्वेश्चन हमारा ये आ गया। अब 33 के पड़ोस वाला नंबर लिखो, तो आपको पता है कि 33 के पड़ोस वाला नंबर 32 भी होगा, रीजन क्या है कि 2 की पावर 5 क्या होती है 32 होती है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप ऐसे लिखना शुरू कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आ गए भैया 33 के पड़ोस में, आ गए 33 के पड़ोस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 5 है और ये इधर कितना है 96, 96 को जरा 5 से भाग मार दो, 5 एकम 5 4 और 5 ने 45 एक, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 19 और इंटू 2 की पावर 1, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 19 पंजे 95 और ये एक, ये 2 की पावर कितना हो गया 96 हो गया। अब हम देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, भाई ये 2 की पावर 1 है मतलब 2, तो 33 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, यहां आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 की पावर 5 19 फिर 33 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 और फिर 33 से डिवाइड करेंगे, तो यहां तो डिवाइड हो नहीं पाएगा क्योंकि छोटा नंबर है, तो यहां पे तो 2 की पावर 1 है मतलब 2 बचा रहेगा, इसे यहां डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 की पावर 5 को हम लोग क्या ले सकते हैं 32। अब देखो यहां पे जब मारेंगे 33 एकम 33 तो ये एक कम है तो मतलब माइनस 1 हो गया, ये तो माइनस 1 की पावर 19 है तो माइनस 1 हो गया और यहां पे मल्टीप्लाई 2 तो आ गया माइनस 2। अब माइनस 2 माइनस में कभी भी शेषफल होता नहीं है, तो घटा दो, किससे घटा दो 33 में से, 33 माइनस 2 31। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब ब्रेक करोगे 19 पंजे 95 हो गया, 2 की पावर 1 है, ठीक है। अब 2 तो ये डिवाइड होगा नहीं 33 से, तो 2 को मल्टीप्लाई में ही रखना पड़ेगा,
ठीक है, और 2 की पावर 5 ये 32 हो गया, जब आपने डिवाइड मारा तो -1 बचा, और -1 की पावर 19, मैंने आपको बताया कि जब माइनस लगा और पावर विषम होगी तो माइनस माइनस में ही रहेगा, तो -2 हो गया तो -2 जो शेषफल तो -2 में हो नहीं सकता, तो आपने क्या करा 33 में से -2 घटा दिया, आंसर हमारा आ गया 31। घटाया किसमें से जाता है, तो जिससे हम लोग भाग देते हैं उसमें से घटाना रहता है। अब आपने के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये सब ऐसा क्यों, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स बना दी गई है, या मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है कि ऐसा। तो देखिए ये शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए बनाई गई है क्योंकि बेसिक तो इसका बहुत लेंथी है, आप लोग को पता है, आप लोग कर भी सकते हो लेकिन बहुत समय लगेगा, एग्जाम में 1.5 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, तो टाइम आप इसके बार-बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। जैसे मुझे, मैंने सीख लिया है तो आप लोग भी सीख लोगे आराम से, अभी नोट कर लो फिर कॉपी में, बाद में एग्जाम के समय देख लेना, लगा देना, हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा ये भी ध्यान रखा करो कि अगर कोई पावर बन जाए आपकी तो पावर बना लिया करो, जैसे 4 था 4 को हमने ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 2 में कर लिया, अच्छा बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए। 2 की पावर 99 और 16, ठीक है, इसमें बताना है कि शेषफल क्या बनेगा। ठीक, अब इसको ब्रेक कर लेंगे, 16 के पास में हमें लेके जाना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 1 2 3 4 4 खर्च हो गए, 99 थे, बचे कितने आपके 95 बटे में 16। अब इस क्वेश्चन में जो अद्भुत बात है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, अब देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे इसका कितना हो गया 16 हो गया, और नीचे भी 16 है, तो 16 से 16 कट गया पूरा। अब नीचे जब सब कुछ कट ही गया तो शेषफल क्या बचेगा आपका, 0, क्या बचेगा शेषफल, 0 बचेगा। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है कि जो नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर वाले नंबर से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं तो अभी तक आप देख रहे हो कि जो नीचे वाला नंबर होता था वो पूरा पूरा नहीं कट पाता था, या तो +1 बचाता था ऊपर या -1 बचाता। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और आए हुए क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 16 से 16 कट गया तो भैया शेष पर 0 रह गया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 5 की पावर 500 और बटे आपको दे रखा है 500, क्या बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को ले जाएंगे किसके बराबर, 500 के ले जाएंगे, तो खोल देंगे इसको, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 25 525 125 लगभग 500 के आसपास पहुंच गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऊपर से अगर कट रहा है तो काट दो, 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे कितना रहेगा 496। ठीक, ऊपर से कट रहा है, काटो 500, 5 से काट दो फिर 20, 5 चौक 20, अब नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हो गया कि 5 की पावर 496 और यहाँ पर 1 4 9 7 और बटे में 4। ठीक है, अब अपना पुराना क्वेश्चन बन गया, देखो भैया 4 1 कम 4 एक बचेगा, तो 1 बचेगा 1 की पावर हो जाएगा 497, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप अब डरने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और अच्छे से लगाइएगा, अगर आपको पार्ट अच्छा लगा तो मैं पार्ट 2 भी इसका बनाऊंगा, बाकी और भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और